नारियल तेल में सिर्फ एक चीज मिला के लगा लो, आपके बाल तेजी से लंबे और घने होंगे कि आप कटवाते कटवाते परेशान हो जाओगे। हाँ जी दोस्तों, ये एक जादुई नुस्खा है। अगर आप इसे लगातार इस्तेमाल करते हो तो आपके बाल जो बीच में से टूटता है वो समस्या खत्म होगी, बाल झड़ते हैं, सिर गंजा हो रहा है वो प्रॉब्लम दूर होगी, और जो बालों की ग्रोथ रुक चुकी है, बाल बढ़ना ही बंद हो चुका है, अगर इसे इस्तेमाल करोगे, एक चीज़ मिलानी है, आपके बाल तेजी से लंबे घने खूबसूरत बनेंगे, मजबूत होंगे। इस्तेमाल करके देखना, ये रेमेडी 100% वर्क करती है। चलो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैजिकल ऑयल बनाने के लिए हमें लेना है नारियल का तेल। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, मैंने पैरासूट लिया है। तो आपको नारियल का तेल लेना है अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग। जितने अगर ज़्यादा लंबे बाल हैं तो आप 2 से 3 चम्मच ले सकते हैं। मुझे 1 चम्मच ऑयल की ज़रूरत है तो मैंने 1 चम्मच ऑयल लिया है। नारियल का तेल शुरू से ही पुराने टाइम से इस्तेमाल होता आया है, हमारी दादी नानी भी करती थी, मेरी माँ ने, सच कहूँ मेरी माँ ने शुरू से इस्तेमाल किया है। उनके बाल आज भी 55-60 साल की हैं, काफ़ी हद तक उनके काले बाल हैं, वो नारियल तेल इस्तेमाल करती हैं, और मैंने भी बहुत लगाया है। आज की जो रेमेडी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मैंने भी इस्तेमाल की है अपने बालों में, सच में गजब के इसके रिजल्ट है, आप इस्तेमाल करके देखना। तो हमने लिया 1 चम्मच नारियल का तेल। नारियल का तेल है जो हमारे, इसमें ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं, जो हमारे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी करते हैं, हमारे बालों को काला भी बनाता है, सॉफ्ट स्मूथ भी बनाता है, और डैंड्रफ भी खत्म करता है। हाँ जी, इस्तेमाल करके देखना। और इसके बाद हम इसमें एक मैजिक चीज़ डालेंगे जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है, पुराने टाइम से इस्तेमाल होती आई है, ये है कपूर। हाँ जी, जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं, हवन वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, कपूर होता है, आपको ईजिली मार्केट में मिल जाएगा पंसारी की दुकान पर। तो इसमें आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने 1 चम्मच ऑयल लिया है तो उसमें 1 टिक्की बहुत रहेगी, इस शेप में आता है ये। तो इसको आप चाहे तो खैर में डाल के कूट भी सकते हैं, या हाथों से, ऐसे सॉफ्ट होता है, टूट जाता है। इसमें कपूर भी शुरू से इस्तेमाल होता आया है, मैंने खुद भी इस्तेमाल किया है अपने बालों में। कपूर है जो इसमें, ये हमारे जो बालों की स्कैल्प में बहुत हेल्प करता है, हेयर ग्रोथ को बढ़ावा देता है, हमारी बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है, और जो हमारे रक्त संचार है उसको भी बेहतर करता है। देखो ईजिली फूट टूट गया है, ऐसे ही आप हाथों से रगड़ के इसे डाल सकते हैं। जो कपूर है ये हमारे बालों की ग्रोथ भी अच्छी करता है, बालों को जड़ भी मजबूत बनाता है, और बालों में जैसे बच्चों के होते हैं ना जू वगैरह पड़ जाते हैं, उनमें भी बहुत अच्छी हेल्प करता है। आप इस्तेमाल करके देखना, आपके बालों को ये काला भी बनाएगा, घना बनाएगा, तेज़ी से लंबा करेगा, और जो टूटना झड़ना है वो भी इस ऑयल से। इस ऑयल में बस एक चीज़ मिलानी है आपको, ये कपूर, सच में इतने ज़बरदस्त इसके रिजल्ट हैं, आप इस्तेमाल करके देखना, आपको खुद रिजल्ट, आपको खुद महसूस होगा कि हाँ आपको बहुत फ़र्क महसूस होगा 2 या 3 बार के इस्तेमाल के बाद ही। हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करना, आपके बालों का टूटना झड़ना रुकेगा, आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होगी, जो सिर गंजा हो रहा है वहाँ भी बाल उगने स्टार्ट हो जाएंगे, आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होगी, बाल सॉफ्ट बनेंगे, स्मूथ बनेंगे, काले बनेंगे, और तेज़ी से लंबे होंगे। इसमें एक चीज़ आपको और डालनी है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं इसको, लेमन, क्योंकि इसमें भी खट्टा होता है, ये सिट्रिक एसिड होता है, इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, तो ये भी हमारे बालों के झड़ने में काफ़ी हेल्प करता है, बालों के डैंड्रफ को पूरी तरह खत्म करता है नींबू। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये डाल लें तो कोई दिक्कत नहीं, फ़ायदा ही करेगा। 8 से 10 बूंद आप इसमें नींबू की डाल देते हैं, और इसे अच्छे से कर लेना है आपको मिक्स। इसमें डाला है हमने, आप क्वांटिटी का खास ध्यान रखें, इसमें 1 चम्मच नारियल तेल है, 1 कपूर की टिक्की है, और इसमें 8 से 10 बूंद लेमन की है, नींबू की है। इनको अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है, और अब क्या करना है वो हम आगे देखते हैं। अब क्या करना है, हमें अब इसे गर्म करना होगा डबल प्रोसेस से, जैसे आपको गैस जला देनी है, उसमें रखना है, एक किसी भी बर्तन में आपको पानी चढ़ा देना है और उसमें रखना है। हाँ जी, पानी गुनगुना हो जाए तो हमने जो उसमें कटोरी हमने नारियल का तेल किया है, जो नुस्खा बनाया है, उसको आपको ऐसे रख देना है, और इसे गर्म करना है, क्योंकि गर्म गर्म ही ऑयल हमारे बालों में लगेगा, तभी बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसका मिलेगा। आपको लगा लेना है, इसे गर्म कर लेना है, देखो ऑयल मेरा गर्म हो गया है। अब इसे उतार लेंगे, और थोड़ा सा जिसे तेज़ गर्म ना हो, गुनगुना हो, ऐसे ही अपने बालों में अप्लाई करना है, जड़ खूब मांग निकाल निकाल के भर भर के लगाना है रात को, फिर सुबह आप शैम्पू करना, देखना आपके बाल बहुत तेज़ी से लंबे होंगे, घने होंगे, खूबसूरत होंगे।